एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरत्रा ब्लॉगर। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं टाटा मोटर्स कार के शोरूम में। तो काफ़ी दिनों से हमारी प्लानिंग चल रही थी कि हम एक न्यू कार लें। तो कार तो हमने बुक करवा रखी थी, आपको मैं बताऊंगी आज हम कौन सी कार लेंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं और हमें यहाँ पे पानी सर्व कर रहे थे। बहुत सारी हमने रिसर्च की यूट्यूब पे और भी कहीं गूगल से कि हमें कौन सी गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी गाड़ी बेटर है हमारे लिए, हमारे बजट में भी हो एंड अच्छी भी हो। तो वो कार हमने काफ़ी दिन पहले सिलेक्ट कर ली एंड बुक करवा दी थी। तो देखिए, पहले ही हमने स्वीट ले ली थी, यहाँ पे हमने उनको भी देनी है, डीलर को भी, ये वाला चॉकलेट का डिब्बा। एंड ये हमने सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब के लिए मिठाई ली है। फ्रेंड्स, अब हम एक अलग कैबिन में आकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड कुछ सिग्नेचर्स कर रहे हैं, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती है। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और खुश हैं। ये यहाँ पे अब हमें पूछ कर गए थे कि आप क्या लोगे पीने में, तो हमने कॉफ़ी की डिमांड की है, तो वो हमारे लिए यहाँ पे कॉफ़ी लेकर आ गए थे। कॉफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग थी बट टेस्टी थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। एक हमारा ड्रीम होता है कि हमारी एक ऐसी कार हो, तो हम सबका भी एक ऐसा ही ड्रीम था जो कि आज पूरा होने जा रहा है। तो ये साथ में है मेरी फ्रेंड, ये हमारे नेबर हैं, तो इनका बेटा है साथ में। तो ये देखिए, आप सब भी हमारे साथ हॉट कॉफ़ी इंजॉय करें। बट गर्मी नहीं, गर्मी हो गई है। तो देखिए गाइस, ये है हमारी न्यू कार। तो हमने वाइट कलर सेलेक्ट किया, हमारा सभी का फेवरेट था ये वाला कलर। और भी काफ़ी सारे कलर च्वाइस थी इस कार में। तो कार का मॉडल है टाटा टियागो XTO मॉडल है इसका। न्यू मॉडल आया है 2023 का। तो बहुत अच्छे इसके सेफ्टी फीचर हैं, हमारे बजट में थी ये कार, सबसे अच्छी हमें लगी। हमने काफ़ी सारी सर्च की तो ये अभी हमें 7 लाख की पड़ गई है। तो इसके साथ ये वाली किट हमें मिली है। हम फिर कैबिन में आ गए थे, तो इसमें एक एयर पंप है और एक लिक्विड है इसके साथ। अगर इन द फ्यूचर हमारी कार पंचर हो जाए कहीं भी, रात को यहाँ पे सर्विस स्टेशन नहीं होता, तो जो इसके साथ एक लिक्विड दिया हुआ है ना, वो हम जब इसके साथ एयर भरेंगे तो उसमें ये लग जाएगा और हमारी कार फिर से अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो हमें एजेंसी वालों ने बना के दी थी। तो जब वहाँ पे हमने गाड़ी ली थी तो उन्होंने देखिए सेलिब्रेशन की थी। तो बहुत अच्छे ये मोमेंट थे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था और हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो बच्चे अच्छे से इंजॉय कर रहे थे ये वाले पल। तो ये देखिए, हमारी यहाँ पे एक फुल फैमिली फ़ोटो क्लिक हुई थी। तो ये वाली उन्होंने ना फ़ोटो हमें उसी टाइम पे अपलोड करके भी दे दी थी। तो यहाँ पे हमें ये चला रहे थे जो कार की। तो ये देखिए पीछे कितने अच्छे उन्होंने ना वो फ्लावर वगैरह फेंक के और पटाखे चले थे, बहुत ही अच्छा ये पल था। तो अब देखिए, हम यहाँ पे ना अब कार में नंबर प्लेट भी उन्होंने लगा दी थी। पहले जब मैंने आपको वीडियो दिखाई उस टाइम पे नंबर प्लेट अभी नहीं लगी थी। देखिए गाइस, यहाँ पे एजेंसी के स्टाफ मेंबर्स ने हमें कंग्रेचुलेशन किया और इनका हमें विश करने का एक अलग ही स्टाइल था। उन्होंने एक छोटा सा क्यूट सा केक मंगवाया और केक कटिंग यहीं पर हमारी हो गई थी। तो देखिए, बच्चों ने केक कट किया और अनमोल और कीर्ति ने, मेरी फ्रेंड का बेटा और मेरी बेटी कीर्ति ने, दोनों ने केक कट किया। तो स्टाफ मेंबर्स ने क्लैपिंग की, हमें कंग्रेचुलेशन किया और बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारी न्यू कार की सेलिब्रेशन भी हो गई थी। तो हम सभी बहुत खुश थे। यहाँ पे हमने सभी ने केक खाया, एक दूसरे को खिलाया
तो फिर ये वाला केक उन्होंने हमें पैक करके दे दिया था। तब बोल रहे थे कि आप सभी घर जाके एंजॉय करना, क्योंकि केक तो छोटा सा था तो स्टाफ मेंबर्स काफ़ी थे। तो हम अपना केक लेकर घर को आ गए थे, तो हमने थोड़ी सी छोटी सी सेलिब्रेशन घर जाके भी की थी। तो ये देखिए हम यहाँ पे एक दूसरे को केक खिला रहे थे। फ्रेंड्स यहाँ पे वो डीलर कुणाल दत्त था लड़के का नाम, बहुत ही अच्छा था, बहुत नाइस था, इसने बहुत अच्छे से डीलिंग हमारे साथ की। तो इसने बहुत अच्छे से कार के बारे में डिटेल में हस्बैंड को बताया, समझाया। तो यहाँ पे हमारी सेलिब्रेशन होने के बाद की ये वीडियो थी। तो उसके बाद हम फिर से शोरूम के अंदर गए, तो कुणाल दत्त जी को हमने थैंक्स किया, हमने उनको भी एक छोटा सा जो चॉकलेट का मैं आपको डिब्बा दिखा रही थी उनका मुंह मीठा करवाने के लिए हमने उनको वो वाला स्वीट का चॉकलेट का डिब्बा दिया। तो यहाँ पे हस्बैंड अब बैठ गए हैं ड्राइविंग सीट पे। तो म्यूजिक सिस्टम हमने पहले से लगवा लिया था, कार में खूब गाने चल रहे थे। तो ये देखिए अब हम इस भैया को, कुणाल दत्त जी को गिफ्ट दे रहे थे चॉकलेट। तो इनका भी बहुत बहुत थैंक्स है हमारी ओर से, इन्होंने बहुत अच्छी हमें कार दिलवाई। और देखिए गाइज ये वाली फ़ोटो हमें एजेंसी वालों ने फ्रेम करवा के दी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने फ़ोटो बहुत ही अच्छी थी, क्लियर थी। मुझे लगता है एप्पल के फ़ोन से उन्होंने करवाई होगी। तो सभी फोटो देख रहे थे यहाँ पे, हमारी बात चल रही थी, आपकी फर्स्ट कार कैसी लगी? बहुत अच्छी, ठीक है, मैं सभी से पूछ, एक्सपीरियंस शेयर करो, बताओ। सब गाइस आई एम सो हैप्पी बिकॉज माय न्यू कार इज वेरी वेरी प्रीटी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स अब इवनिंग के हो गए थे 5:30, तो फाइनली हम एजेंसी से बाहर आ गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम हम अपनी न्यू कार में बैठे थे। तो हमारे घर से यहाँ का डिस्टेंस 15-20 मिनट का था। तो अब हम आ गए हैं घर, तो पहले हमारे जो भी शगन करते हैं, तेल चोते हैं, तो वो तेल सरसों का मैं यहाँ पे गाड़ी के आगे चोरी थी। अब देखिए यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ परांदा बांधेंगी कार को, और उसके देखिए यहाँ पे प्रबलिन परांदा बांध रही है। तो ये शगन होते हैं बच्चे लड़कियों से करवाते हैं, तो हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम परांदा बांधते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरी बड़े वाली बेटी ने एक ओंकार बनवाया था यहाँ पे सिंदूर से, तो ये शुभ माना जाता है हमारे सिख फैमिली में। तो इसके बाद फिर हम अपने थोड़ी सी अपने घर आके भी पार्टी की थी, बच्चों को भूख लग गई थी तो बच्चों के लिए हम समोसे वगैरह लेकर आए थे। तो अब देखिए मेरे हस्बैंड बच्चों को पैसे दे रहे हैं, सभी को कार की खुशी में शगन देते हैं बच्चों को, क्लैपिंग तो कर दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों ने स्पार्कल वाली कैंडल लगा के फिर से वही केक कट किया था, क्योंकि बच्चों को क्रेज़ होता है केक कटिंग का। तो घर पे हमने छोटी सी पार्टी की, केक अब कट करने के बाद मैंने कटोरियों में सबके लिए सर्व कर दिया था, और साथ में हमने समोसे मंगवाए थे, बने बनाए ही लेके आए थे, घर पे नहीं बनाए मैंने आज क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था बच्चों की डिमांड पे। तो काफ़ी देर से हम गए हुए थे, लंच तो वैसे हम करके गए थे बट फिर भी भूख लग गई थी। तो अब बच्चे सभी अच्छे से शौक से केक खा रहे थे, समोसे खाए, तो ज़्यादा कुछ तो हमने नहीं किया। तो एक स्वीट का डिब्बा, बर्फ़ी का डिब्बा हम घर के लिए भी लेकर आए थे, तो सभी का हमने मुंह मीठा करवाया। तो ये छोटी सी हमने की सेलिब्रेशन। तो गाइस हमें बहुत खुशी हो रही थी यहाँ पे कार की, तो ये मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी बना ली थी घर पे ही।
फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे छोटी सी पार्टी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप सभी अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना कि आपको हमारी न्यू कार कैसी लगी एंड वीडियो कैसी लगी। तो गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। तो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो यहाँ पे हमने खूब अच्छे से इंजॉय किया, सेलिब्रेशन की। बाय बाय, टेक केयर। अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा साहिब। तो सबसे पहले हम वाहेगुरु जी का शुक्रिया अदा करने आए हैं दरबार साहिब, क्योंकि जब वाहेगुरु जी की कृपा होती है तभी हम तरक्की करते हैं, तभी हम न्यू चीज़ें परचेज करते हैं। तो थैंक यू सो मच वाहेगुरु जी। तो ये है मिठाई का डिब्बा। तो सबसे पहले हम आ गए हैं गुरुद्वारा साहिब, अब हम आ गए हैं दरबार साहिब के अंदर। संध्या का टाइम है, गुरबाणी का पाठ हो रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पे आकर लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो अब हमने मत्था यहाँ पे टेक लिया।